क्लासरूम में 10 वीडियोस आपको मैं दे चुका हूं। ये अगला वीडियो है, इसमें आपको केवल एडिशन पॉलीमर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या सिखाने वाले हैं कि रियल वे में पॉलीमर का स्ट्रक्चर हम कैसे याद करें। तो पॉलीमर जितने भी एडिशन पॉलीमर है उनकी लिस्ट बना लीजिए और उनका स्ट्रक्चर बनाना मैं आज आपको सिखाने वाला हूं बहुत ही सिंपल और इजी वे में। तो चलिए याद रखते हैं हम एडिशन पॉलीमर के स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं। आज आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा। तो पहले क्या करना है आपको, जितने भी एडिशन पॉलीमर है उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं और थोड़ा सा एडिशन पॉलीमर के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें, क्योंकि पिछले 8-10 वीडियो में बहुत डिटेल बताया जा चुका है कि एडिशन पॉलीमर में जो भी मोनोमर यूनिट होती है वो जुड़ करके पॉलीमर बनाती है, उसमें किसी भी टाइप का कोई स्मॉल मॉलिक्यूल लिबरेट नहीं होता है। बस इतनी सी सिंपल बात याद रखना है, मोनोमर से पॉलीमर का बनना और इसमें कोई भी स्मॉल यूनिट यानी जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, इथाइल अल्कोहल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इस प्रकार के छोटे छोटे मॉलिक्यूल निकल के बाहर जाते हैं, लेकिन एडिशन पॉलीमर में ऐसा नहीं होता, पूरी की पूरी मोनोमर यूनिट जुड़ करके पॉलीमर बनाती है। तो आज आपको इस स्ट्रक्चर को मैं बनाना भी सिखाऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि इनको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये 8-10 नाम आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं। नंबर 1, ये एडिशन पॉलीमर के मैं शॉर्ट फॉर्म में नेम लिख रहा हूं, पहले आप इनको तैयार करिए फिर इनका फुल फॉर्म तैयार करिए। सबसे पहले तैयार करना है आपको पीई, पीई में दो नाम और तैयार करना है, एल डी पी ई, एक तो पी में ये तैयार करना है। उसके बाद थर्ड नंबर में एच डी पी ई, इन नामों की अभी आपको फुल फॉर्म बताऊंगा और इनसे आपको इनके स्ट्रक्चर और इनके मोनोमर क्या है, कैसे बनते हैं, बड़े सिंपल इजी और इजी स्टेप में आप इसको सीखेंगे। फोर्थ नेम आप सीखना है आपको पीपी, फाइव नंबर में आपको याद रखना है पी एस, अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। नंबर 6 पी एम एम ए, पम्मा बोलते हैं इसको। 7 नंबर में याद रखना है आपको पी ए एन, पान। 8 नंबर आपको याद रखना है पीवीसी, पीवीसी। 9 नंबर में आपको याद रखना है पी टी एफ ई, और एक नाम और याद कर लो एडिशन पॉलीमर में जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इनके अलावा आईआईटी में कोई नया नाम नहीं आता एडिशन पॉलीमर में, यही आपको तैयार करना है। और एक बात होता है पी सी टी एफ ई, पी सी टी एफ ई, ये लगाओ ठीक है। ये 10 नेम आपको तैयार करना है, आज मैं आपको ये 10 नाम याद करा रहा हूं। इस टाइप से पेपर में भी कई बार नाम लिख के आ जाता है और आपको फुल फॉर्म लिखना होती है इसकी। ये सभी पॉलीमर हैं और कैसे पॉलीमर हैं, एडिशन पॉलीमर हैं, एडिशन पॉलीमर, एक कंप्लीट एडिशन पॉलीमर है जो आपको तैयार करना है।
देखिए ये है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, मुझे इनके स्ट्रक्चर आपको सिखाना है तो पहले हम इनका फुल फॉर्म जान लें, उसके बाद एक एक स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे। तो इसका फुल फॉर्म होता है टी का पॉलीइथाइलीन, इसको बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन, इसको बोलेंगे हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन। इस पीपी का नाम होता है पॉलीप्रोपाइलीन, इसे बोलते हैं पॉलीस्टाइरीन। ये पमा होता है पॉली मिथाइल मेथ एक्राइलेट, पान को बोला जाता है पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, पीवीसी होता है पॉली विनाइल या वायलेट क्लोराइड, पीटीएफ होता है पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलीन। नेक्स्ट है पॉली मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरो, पॉली मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरो इथाइलीन। देखिए ये सभी की आपने फुल फॉर्म देख ली। सबसे पहले हो सकता है पेपर में ये नाम लिख के आपके लिए है और आपको इसका फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, या फिर आपको ये पूछा जा सकता है इस फुल फॉर्म को लिखा हो और पूछा जाए कि इसका मोनोमर क्या है। तो अभी ये दोनों ये एडिशन पॉलीमर के नाम है, ये शॉर्ट फॉर्म में है और ये इनका फुल फॉर्म है। अब आपको क्या करना है, इसका अगर स्ट्रक्चर आपको बनाना सीखना है बहुत अच्छे से तो इनकी मोनोमर यूनिट आपको याद रखनी है। याद करने के लिए आपको रटना नहीं है, मैं आपको ठीक बता रहा हूं, इनकी मोनोमर अगर याद कर लेते हैं, मोनोमर के स्ट्रक्चर से पॉलीमर का स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान होता है। बस आपको पॉलीमर का फॉर्मूला आना होता है, मोनोमर का फॉर्मूला आना चाहिए, और पॉलीमर का फॉर्मूला आपको बनाना मैं सिखा दूंगा। तो देखिए यहां पर आपको इसे मोनोमर में कन्वर्ट करना है, इसे मोनोमर यूनिट में कन्वर्ट करना है मोनोमर। इन सभी पॉलीमर का मोनोमर क्या होगा, तो बस आपको क्या करना है, पॉली वर्ड को रिप्लेस करना है इस सभी नामों से। इन सभी नामों में से अगर मैं पॉली वर्ड हटा दूं तो इस सब के सब क्या बन जाएंगे, मोनोमर बन जाएंगे। फिर हम मोनोमर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उससे फिर पॉलीमर का स्ट्रक्चर बनाना आपको सिखाएंगे। तो पहले मैं आपको इसके मोनोमर बता देता हूं। देखिए ये मोनोमर, मैं पॉली हटा दूं तो सबसे पहला क्या होगा, पॉली सबका रिप्लेस करना है। देखिए सबका पॉली यहां से हटाना है, पॉली है जैसे इसको हटा देना है, पॉली वर्ड है सब में पॉली वर्ड लगा होगा, देखिए सबके पॉली वर्ड हटा दो तो क्या बन जाएंगे, मोनोमर बन जाएंगे। इसका मोनोमर क्या होगा, इथाइलीन, इथाइलीन होगा। उसके बाद लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, तो ये क्या हो जाएगा, लो डेंसिटी एथिलीन।
फ्लो डेंसिटी इथाइलीन, यहां पर क्या हो जाएगा हाई डेंसिटी इथाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन केवल क्या रह जाएगा प्रोपाइलीन। देखिए कितना सरल नाम, अब मोनोमर आप इसका फॉर्मूले से बना पाएंगे, इसको क्या बोलेंगे केवल स्टाइलीन। ये क्या हो जाएगा मिथाइल मेथ एक्रिलेट, मिथाइल मेथ एक्राइलेट, ये हो जाएगा एक्राइलो नाइट्राइल, एक्राइलो नाइट्राइल। उसके बाद ये हो जाएगा वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड। उसके बाद पॉली टेट्रा फ्लोरोएथीन को हो जाएगा केवल टेट्रा फ्लोरोएथीन, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। उसके बाद आता है इसमें पॉली हटा दो तो मोनो क्लोरो ट्राइफ्लोरोएथीन हो जाएगा, मोनो क्लोरो ट्राई फ्लोरो एथिलीन। देखिए ये सारे मोनोमर के नाम आपके आ रहे हैं। अब आपको अगर मोनोमर का फॉर्मूला आता है तो हम पहले मोनोमर के फॉर्मूले आपको बता देते हैं, तो मोनोमर से फिर हम पॉलीमर का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे बड़ा आसान होगा। तो देखिए ये हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म, ये इसके आपका फुल फॉर्म हो गया, ये इसके सारे मोनोमर हो गए, पॉली हटा करके मोनोमर बन जाता है। मोनोमर से हम पॉलीमर बनाना स्ट्रक्चर के द्वारा आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम ये वाली चीज को देख लेते हैं, देखिए यहां पर एथिलीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये फॉर्मूले हमें याद करना है रियल वे में, ये तो याद ही करना पड़ेगा आपको। अगर ये फॉर्मूला आता है तो फिर अभी मैं आपको पॉलीमर का फॉर्मूला वहां पर बनाना आपको स्ट्रक्चर सिखा दूंगा। तो देखिए इथाइलीन का एक फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब लो डेंसिटी एथिलीन और हाई डेंसिटी एथिलीन एक ही चीज है, बस इसमें क्या अंतर है ये ब्रांच होती है और ये लीनियर पॉलीमर है, दोनों के फॉर्मूलों में कोई अंतर नहीं होता, ये आपको प्रॉपर्टी में सिखाऊंगा। बस इतना याद रखिए ये ब्रांच है और ये लीनियर है, तो इसका फॉर्मूला सेम होगा इथाइलीन का। प्रोपाइलीन का फॉर्मूला ये बनेगा, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे आप लिख सकते हैं, ये प्रोपाइलीन है, बड़े आसानी से बना पाओगे। स्टाइलिंग में बस CH3 की जगह C6H5 आ जाएगा, तो ये होगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5। मिथाइल मेथ एक्रिलेट, इसके फॉर्मूला थोड़ा सा हार्ड है, इसको आपको याद करना होगा, तो ये होगा CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर नीचे लगा होता है COOCH3, ये मिथाइल मेथ एक्रिलेट है। उसके बाद आता है एक्राइलो नाइट्राइल, इसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, यानी या डायरेक्ट आप CL लिख सकते हो। वाइनिल साइनाइड वाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाइनिल का फॉर्मूला है, उसमें क्लोराइड जोड़ दीजिए, ये हो गया CL। टेट्रा पॉली की जगह अगर ये बना रहे टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, बड़ा सरल है, टेट्रा फ्लोरो बोल रहा है तो क्या होगा CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्रा फ्लोरो एथिलीन हो गया। अब आता है मोनो क्लोरो ट्राई फ्लोरो एथिलीन, तो बस ये क्लोरो इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये हो जाएगा CF2 डबल बॉन्ड CCl और एक जगह आ जाएगा F। ये सारे आपकी मोनोमर यूनिट्स हैं, जब आपको मोनोमर यूनिट तैयार हो गई तो
तो हम पॉलीमर इंजेक्ट बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। और आज का वीडियो में मेन बात यही है कि आपको पॉलीमर के स्ट्रक्चर बनाना सिखाना है। तो आपको मेन चीज क्या पता लगा कि हमें मोनोमर यूनिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पॉलीमर फॉर्मूले में आपको क्या करना है, बस जहां भी डबल बॉन्ड इसमें लगा हुआ है उस डबल बॉन्ड को रिप्लेस करके उसको दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। किसी एक से सिखाता हूं समझ में आ जाएगा। जैसे डबल बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड को हटा दीजिए और जहां भी ये अटैच है इसके दोनों तरफ बॉन्ड लगा दीजिए। और मोनोमर मोनोमर यूनिट कितनी होती है, एक होती है। पॉलीमर का पता है बहुत सारी मोनोमर यूनिट होती है, तो इसमें एन का यूज करेंगे हम। तो देखिए इसमें क्या करने वाले हैं, बॉन्ड रिप्लेस करना है और इस कार्बन से जो बॉन्ड जुड़ा हुआ है दोनों तरफ बॉन्ड लगा देना है। देखिए ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, बॉन्ड रिप्लेस किया, अब दोनों तरफ बॉन्ड लगा दीजिए इधर भी और इधर भी, और इसका क्या कर दो होल N। इसका मतलब यहां पर हमें इसकी N यूनिट लेना पड़ेगी। तो इसे बोला जाएगा पॉलीइथाइलीन या हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन या लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन। अंतर क्या होगा ये मैं अभी बता चुका हूं आपको। अगर लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन होती है वो ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, और हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन होती है वो लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। इसके डिटेल्स आपको अलग वीडियो में मिलने वाले हैं। तो यहां पे केवल आपको मोनोमर से पॉलीमर का स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूं। ये प्रिपरेशन भी नहीं है, प्रिपरेशन आपको अलग अलग वीडियो में मिलेगी, बहुत सारी वीडियो में मैं डाल चुका हूं। तो देखिए पॉलीमर बनाना आ गया आपको, डबल बॉन्ड रिप्लेस करो और दोनों तरफ बॉन्ड को लगा दीजिए सिंगल बॉन्ड। तो क्या करना, आप देखो ये दोनों सेम है इसका कोई अंतर नहीं आया। अब इसको देखिए, ये वाले फॉर्मूले को देखिए, इसमें ये डबल बॉन्ड है इसको रिप्लेस करना है और इस कार्बन को इस कार्बन को लगाना है। तो आपको इस CH3 को इसके नीचे कर देंगे इसे। देखो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। देखो बेटा दोनों बॉन्ड लगाने बोला था, इस कार्बन पे बॉन्ड हटा करके CH3 का कर दो नीचे का, तो इससे कोई अंतर नहीं आता। नहीं भी नीचे करोगे तो सीधे लग सकते हो इसको। तो देखिए बॉन्ड रिप्लेस करके दोनों तरफ बॉन्ड लगाना है उसी कार्बन पे जहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और इसे होल एन करना है। जब ये होल एन होगा तो यहां पर इसकी एन मॉलिक्यूल ये जितने भी होंगे वो दिखाई देंगे यहां पर। तो देखिए ये फार्मूला किसका हो गया, पॉली प्रोफाइल। ये पॉलीमर के फार्मूले आप सीख रहे हैं, केवल आपको एन को एन के रूप में कन्वर्ट करना है और बॉन्ड रिप्लेस करके दोनों तरफ लगाना है। बार बार आप इसको दिमाग में रख लीजिए। अब देखिए यहां पर मैं जल्दी जल्दी बताना आपको सिखाया। अब ये वाला फॉर्मूला आप देखेंगे, ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5 नीचे लगा दिया, यहां पर बॉन्ड हो गया और इसको क्या कर देंगे होल एन। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए इस वाले पार्ट में भी यही करना है। CH2 सिंगल बॉन्ड लगाइए, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड लगाना है तो सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, और आगे बॉन्ड लगा दीजिए। अब CH3 को ऊपर कर दो, यहां पर CH3 ऊपर आ जाएगा और नीचे पहले से लगा हुआ है COOCH3। होल एन कर दो, समय करना है, कोई नई बात नहीं है। ये बन गया पॉली मिथाइल मेथैक्रिलेट का स्ट्रक्चर। अगर आपको मिथाइल मेथैक्रिलेट आता है तो पॉली मिथाइल मेथैक्रिलेट बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आता है CH2CH डबल बॉन्ड, ये तो ये डबल बॉन्ड है, ये तो CH फंक्शन ग्रुप इसका चेंज मत कर देना। इसके डबल बॉन्ड को दोनों कार्बन पर लगाना है तो ये क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड नीचे आ जाएगा CN। यहां बॉन्ड लगाइए और दोनों का होल एन कर दीजिए। ये बन गया आपका पॉली एथिलाइनो नाइट्राइल का पॉली करोगे तो पॉली एथिलाइनो नाइट्राइल। जैसा इस सेम कंपाउंड ये है, देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड नीचे CN ले लीजिए और होल एन कर दीजिए। अब आ जाओ CF2CF2 पर, सेम कंडीशन इसकी भी यही होगी। ये रहा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 इधर भी सिंगल बॉन्ड इधर भी सिंगल बॉन्ड और ये हो जाएगा होल एन। देखिए पॉलीमर बन गया। सेम कंडीशन इसके लिए करना है, डबल बॉन्ड हटा के दोनों तरफ लगाना है तो ये हो जाएगा CF2 सिंगल बॉन्ड और यह क्या है सी पर एफ भी लगा हुआ है सी पर सी एफ भी लगा हुआ है और इधर बॉन्ड लगा करके इसको होल एन कर देंगे।
याद करने का इसमें कोई झंझट ही नहीं है। अगर आप ध्यान से अगर इसको करेंगे तो आपको मेन चीज क्या पकड़ में आई इसमें, ये तो आपको पेपर में पूछने वाले हैं, इसमें तो कोई याद करना नहीं है, क्योंकि फुटबॉल में याद करना, एक बार याद हो जाती है, एक बार पढ़ते तो अच्छी से आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसका पॉली हटा करके मोनोमर में कन्वर्ट कर लीजिए। जब सारे मोनोमर आपको याद हो जाए तो मोनोमर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये सारे बताते समय आपको ध्यान रखना है कि सब जगह एन लगाना होगा, नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो मैं आपको मोनोमर का फॉर्मूला सिखाया ना, इसलिए बता रहा हूँ, आगे चलते तो बताऊंगा उसमें। ये आपकी प्रिपरेशन नहीं है, प्रिपरेशन में भी यही करना है, बस आपको यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होना है वो याद रखना है। तो मैं आपको बताऊंगा अलग अलग वीडियो में उसकी प्रॉपर्टी और यूजेज भी बताएंगे कहाँ कैसे यूज होता है। एडिशन पॉलीमर 10 हमारे कोर्स में है, मेन तो 10 पॉलीमर आपको याद होना है, बड़े आसानी से याद कर सकते हो इसको, तो ये 10 पॉलीमर याद कर लेंगे। और इनके फॉर्मूला बनाने के लिए आपको बॉन्ड को, मैंने ट्रांसफर करना बताया, बॉन्ड को हटा करके दोनों तरफ लगाना, उसी का करना बस, और कुछ नहीं करना है, पूरा एंटर देना, सारे फॉर्मूला आसानी से आप बना लेंगे। तो चलिए बायोमॉलिक्यूल का जो पॉलीमर टॉपिक है उसका लगभग 11 नंबर का वीडियो है, 10 वीडियो पहले से ही बायोमॉलिक्यूल के तैयार है, आप उनको स्टडी कर लीजिए पहले से, और अपने कमेंट में मुझे बताइएगा कि इस वीडियो में आप और क्या चाहते हैं या इसमें क्या कमी है, मुझे जरूर बताइए, जिससे मैं आपको और बेहतर वीडियो देने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और जरूरतमंद के लिए उसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।